हमारे टीम का नेगेटिव है और यू रेट ऑफ एनी कैलकुलेटर Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So, लक्ष बैच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपका चल रहा है फॉर द गेट 2022, इसको हम लोग देख रहे थे कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था गुरुवार को, ठीक है, थर्सडे को. थर्सडे और फ्राइडे हमारी दो क्लास हो चुकी है ट्रांसमिशन लाइन की. आज इसकी थर्ड क्लास है, दैट इज मंडे, है ना. और इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट मंडे को होगा, ठीक है. सो आज हम लोग जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे आपके थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, टाइटल में आपको दिख रहा होगा, लॉसलेस एंड डिस्टॉर्शनलेस लाइन. तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग लास्ट कहाँ तक पढ़े थे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे. और बाकी सब स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड क्रैक द पीएसयू एग्जाम्स लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीआरडीओ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. And I am having more than 10 year experience, and in this 10 years I am having the experience of training 25,000 students, and I take subject as communication system, MFT and advanced communication system. All these three subjects are my favorite subjects. You can ask any doubt regarding these subjects, and if you want to score more in these two subjects then you can join me on Unacademy Plus using the code SAKET10. अगर आप ये कोड लगा के मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और साथ में मेरा मेंटरशिप मिलेगा. प्लस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ऑन टाइम क्लासेस, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है. और साथ में आपको एक ब्रांच, एक सब्सक्रिप्शन में हर ब्रांच का एक्सेस मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, सीरियसनेस, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है. लाइव क्लास आपको मिलेगा, क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको मिलेगा. ये तीनों चीज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी. डाउट सॉल्विंग, हर फोर्थ क्लास डाउट सॉल्विंग होगा, एंड हर वीक आपका टेस्ट होगा. ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर. आइकॉनिक में जो प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिला है उसके अलावा आपको मिलेगा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, साथ में स्टडी बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस. इसके बाद आओगे अगर आप वन ईयर, वन एंड हाफ ईयर और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है प्लस में. प्लस में ये तीन ऑप्शन लोगे तो बेनिफिट है, क्योंकि गेट के बाद भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए. और 28 अप्रैल तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा,
है, डिस्काउंट इन द सेंस सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप कौन सा कोड अप्लाई करते हो, कोड अप्लाई करना है आपको यही साकेत 10, ठीक है। इसके बाद आपके पास 1 ईयर एंड 2 ईयर के ऑप्शंस हैं आइकॉनिक में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप जाओ, सेम कोड अप्लाई कर दो, 10% का डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई। अगर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बैंक के कार्ड्स हैं तो आपको ईएमआई ऑप्शन भी मिलता है। अनअकैडमी कॉम्बैट, एवरी संडे आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट के पार्ट बन सकते हो बाय यूजिंग द कोड साकेत 10। ये कोड आप यूज कर सकते हो एंड इसमें फ्री एनरोल हो सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बैच देखो, न्यू बैच जो है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सो न्यू बैच में आपको ये पूरी की पूरी टीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गाइड करेगी। द बैच नेम इज एसेंड एंड इवॉल्व। गेट 22 के लिए इवॉल्व, गेट 23 के लिए एसेंड। इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल, ये पूरी टीम है आपके लिए जो आपको पूरा का पूरा थ्रू आउट द ईयर गाइड करेगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया है ना, लास्ट क्लास तक हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने डिराइव किया था प्लेन ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन, ठीक है। हमने डिराइव किया था ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन, ठीक है सिद्धार्थ एंड रवि, यहां तक आपको क्लियर था? तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन क्या आया था एक बार याद करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन क्या आया था? सो आपने कैलकुलेट किया था डी स्क्वायर वी एस अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। और करंट के लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन था। करंट के लिए डी स्क्वायर आई एस इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हम लोग टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइम फैक्टर जैसे कि प्लेन वेव में हम लोगों ने टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी प्लेन वेव में जैसे नहीं किए थे वैसे ही हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारे पास डी का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस गामा आएगा और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो वी एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड, क्योंकि हमने ये माना है कि जो वोल्टेज या करंट वेव है दैट इज ट्रेवलिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो इसके दो टाइप के कंपोनेंट होंगे, वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है, तो e टू द पावर माइनस गामा जेड, ठीक है। और प्लस एक हो सकता है आपका रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा जैसे कि प्लेन वेव करता है, तो e टू द पावर प्लस गामा जेड। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं अगर करंट के लिए, तो करंट के लिए भी हमारे पास सेम आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आई एस इक्वल टू जीरो और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एस गामा। तो आई एस का जो इक्वेशन है करंट एज अ फंक्शन ऑफ जेड, आई नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई टू द पावर प्लस गामा जेड। तो ये हमारे वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। ये वोल्टेज का इक्वेशन है उससे सॉल्यूशन ये होगा, ये करंट का इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा। अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोले कि ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव है, ठीक है, ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव है, ठीक है, और ये बैकवर्ड ट्रेवलिंग या रिवर्स ट्रेवलिंग, ठीक है, या रिवर्स ट्रेवलिंग या बैकवर्ड ट्रेवलिंग बोल सकते हो, ठीक है, रिवर्स ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव, ठीक है। वैसे ये वाला जो कंपोनेंट है ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव, और ये बैकवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव या रिवर्स ट्रेवलिंग,
ठीक है। अब आपको ये ध्यान होगा कि इसको हम लोग फॉरवर्ड क्यों बोलते थे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब हमारा वेव जेड इज इक्वल टू जीरो से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, तो ये जेड इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो जब जेड इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। जेड ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ई टू द पावर इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए जब वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो हम इस कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे, और जब रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जेड टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तब ये हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड और इसको बैकवर्ड बोलते हैं, और सेम कंडीशन यहाँ पे करंट के लिए है कि ये फॉरवर्ड और वो रिवर्स है, क्योंकि जब अगर वेव रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो जेड जीरो से जेड माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड की कंडीशन है, ये बैकवर्ड की कंडीशन है। फॉरवर्ड के केस में जेड इन्फिनिटी होगा तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं देंगे। और बैकवर्ड के केस में जेड इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसलिए रिवर्स ट्रेवलिंग या बैकवर्ड ट्रेवलिंग के लिए सेकेंड वाला वेव या सेकेंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करते हैं। अब इसमें ये जो गामा की वैल्यू आई थी, तो ये गामा की वैल्यू क्या थी, ये प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट था और इसका वैल्यू आया था आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारा प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, जो कि प्राइमरी कॉन्स्टेंट के टर्म में है, और ये अल्फा प्लस जे बीटा होगा, अल्फा प्लस जे बीटा। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, अब इसी में हम लोगों ने ये सॉल्यूशन बस हमारा लिखना बचा हुआ था। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर था? यस शुभम, 10 प्लस 2 प्लस बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, DFCCIL में 10 प्लस 2 प्लस बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू कस्तुभ, गुड इवनिंग रमेश। ओके, सो ये हम लोगों का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करना है, एंड दिस इंपॉर्टेंट टर्म इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन क्या होगा? सो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव टू द फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करेंट वेव। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इफ वी टेक द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये देखो, इसको अगर बाय डेफिनेशन लिखेंगे तो ये होगा, और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज मतलब V नॉट प्लस, ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव था, यहां पे देखो ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ओनली डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव, तो ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो भी किया जा सकता है, बस यहां पे आपको माइनस साइन शो करना पड़ेगा, और ये माइनस साइन ये शो करता है कि द वेव इज ट्रेवलिंग इन द निगेटिव डायरेक्शन।
ठीक है, ये माइनस साइन का मतलब इंपीडेंस माइनस आएगा ये नहीं है, ये माइनस साइन बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द निगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का डेफिनेशन है, और इसी को अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं दूसरे तरीके से इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टेंट, जैसे गामा को हम लोगों ने डिफाइन किया है ना, जहां पे हम लोगों ने गामा को डिफाइन किया रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टेंट ये होता है आपका Z डिवाइडेड बाय Y मतलब सीरीज इंपीडेंस डिवाइडेड बाय शंट एडमिटेंस। तो सीरीज इंपीडेंस क्या होता है R प्लस J ओमेगा L, एंड शंट एडमिटेंस मतलब क्या होता है G प्लस J ओमेगा C। तो ये हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्टेंट के टर्म्स में सेकेंडरी कॉन्स्टेंट है, ये जो गामा है ये जो Z नॉट है इसको आप सेकेंडरी कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, R L ओमेगा आर एल जी सी, आर एल जी सी ऑल दीज आर नोन एज प्राइमरी कॉन्स्टेंट, गामा अल्फा बीटा जेड नॉट ऑल दीज कैन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। हेलो प्रशांत, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन है आपका। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक था, हम लोगों ने पहला बोला कि हम लोग पढ़ेंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। आप ही बताओगे मुझे, बताओ ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में कौन सा टर्म था जो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था। चलो जल्दी से बताओ, कमेंट करो। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हमको पढ़ना है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में बताओ ऐसा कौन सा टर्म था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में जो रिप्रेजेंट कर रहा था लॉस को। रेजिस्टेंस और एक टर्म बोलो जी, यस कंडक्टेंस। ठीक है, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन, द कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन लाइन टू बी लॉसलेस इज आर मस्ट बी जीरो एंड जी मस्ट बी जीरो, आर एंड जी मस्ट बी जीरो फॉर द ट्रांसमिशन लाइन टू बी लॉसलेस। ठीक है, ये कंडीशन है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, कंडीशन है आपको लिख दिया। क्या कंडीशन है कि जो लॉसेस थे इक्विवेलेंट सर्किट में वो जीरो होना चाहिए। तो लॉसेस क्या थे, आर था कंडक्शन लॉस और जी था डायलेक्ट्रिक लॉस, ये दोनों जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गामा पे। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा, और इसकी वैल्यू हमने बोला कि ये होगा रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी, आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। अब लॉसेस क्या है, आर और जी जीरो होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग गामा की भी वैल्यू आएगी। तो आर और जी को हम लोग इसमें जीरो कर देते हैं, तो अल्फा प्लस जे बीटा इज आर की वैल्यू जीरो, तो यहां से आ गया जे ओमेगा एल मल्टीप्लाइड विथ यहां पे जी की वैल्यू जीरो, तो आ गया जे ओमेगा सी। ठीक है, इन दोनों में जे ओमेगा रूट से बाहर आ गया क्योंकि वो स्क्वायर है, और क्या बच जाएगा रूट ओवर एल सी। अब कंपेयर करेंगे तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। जेड नॉट का इक्वेशन डायरेक्ट डेफिनेशन है, वो उसको आया कहीं से नहीं है, उसको हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, उसमें कुछ आया नहीं है, वो हम लोग उसको डिराइव वगैरह नहीं किए, डायरेक्टली लिखे। डिराइव कर सकते हैं लेकिन डिराइव फुल कोर्स इन डेप्थ एनालिसिस पे करते हैं, यहां पे उस चीज को मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है,
बट अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया उसके लिए पूरा डिटेल डेरिवेशन है, उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब बताओ इसको कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, अल्फा जीरो, ठीक है करेक्ट। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग वी आर गेटिंग अल्फा जीरो। सेकेंड और क्या मिल जाएगा, गुड इवनिंग जेनित्सु। सो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर एल सी, ये मिलेगा। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, ये आ गई दो चीजें, बीटा ओमेगा स्क्वायर रूट एल सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आ गया, ये दो चीजें आ गया। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होता है आप बताओ, फेज वेलोसिटी प्लेन वेव के कंसेप्ट से बताना। प्लेन वेव के कंसेप्ट से आप जानते हो कि व्हाट इज फेज वेलोसिटी, ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ये फेज कांस्टेंट है, फेज वेलोसिटी। देखेंगे ओमेगा बाय बीटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वही चीज आपको अप्लाई करना है यहां पे, ओमेगा बाय बीटा। ओमेगा बीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा रूट एल सी। सो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा वीपी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर एल सी। ठीक है, देखो अब इस फॉर्मूले को आप रिलेट कर सकते हो। इंडक्टेंस को आप कौन से फील्ड से रिलेट करोगे, मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक। इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू विच फील्ड, इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू विच फील्ड। मैग्नेटिक, ओके। एंड परमिबिलिटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, मैग्नेटिक। परमिबिलिटी मैग्नेटिक है ना। सो अगर आप ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि फॉर प्लेन वेव, अगर आप इसको रिलेट करो प्लेन वेव से, तो प्लेन वेव में जो फेज वेलोसिटी आता था वो वन अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन आता था, अगर लॉसलेस मीडियम होता था। तो लॉसलेस मीडियम होता था तो फेज वेलोसिटी वन अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन आता था। म्यू इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंडक्टेंस। तो ये हो गया इंडक्टेंस। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, परमिटिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपेसिटेंस। तो ये आ गया कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से हम लोग वन अपॉन रूट एल सी इज इक्विवेलेंट टू द फेज वेलोसिटी ऑफ ए लॉसलेस मीडियम इन प्लेन वेव। सो वन अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, वन अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन। बस इस तरह से हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि जहां जहां पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आएगा प्लेन वेव में, वहां वहां परमिटिविटी और परमिबिलिटी आएगा। ठीक है, एल जहां पे आएगा वहां परमिबिलिटी, और सी जहां पे आएगा वहां पे परमिटिविटी, इस तरह से। ठीक है, चलो अब इसमें एक पैरामीटर बचा है, द लास्ट पैरामीटर इज, विच वन इज द लास्ट पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। सो R और G को जीरो कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आ जाएगा रूट ओवर L बाय C। ठीक है, और यहां पे भी अगर आप रिलेट करोगे तो प्लेन वेव में ईटा की वैल्यू कितनी आती थी, वन अपॉन रूट ओवर रूट ओवर म्यू बाय एप्सिलॉन, वन अपॉन नहीं आएगा, और इसी को हम लोग लिखते थे 120 पाई रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल एल मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब हो गया परमिबिलिटी, C मतलब परमिटिविटी, हो गया सीधा म्यू बाय एप्सिलॉन, तो इसको मत लिखो, यहां से रिलेट कर सकते हो, ये रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ, क्लियर है यहां तक? तो ये सारे जो बॉक्स बने हुए हैं ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फेज वेलोसिटी, अल्फा, फेज कांस्टेंट, ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। देखो ऐसे में जैसे कि मान लो ये बीटा की वैल्यू आपको पता है ना, और वीपी की वैल्यू अगर मान लो आपको पता है या जेड नॉट की वैल्यू पता है, तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मालूम है आपको, फेस कांस्टेंट मालूम है, तो ये प्राइमरी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, एल और सी की वैल्यू बताओ। तो मान लो आपको बीटा की वैल्यू नोन है, जेड नॉट की वैल्यू नोन है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो ओमेगा यहां से आ गया रूट एल सी मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर L by C। तो आप यहां से देख रहे हो कि रूट सी कैंसल हो गया और ये आ गया ओमेगा इंटू एल, सो इसका मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई बीटा Z नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको Z नॉट और बीटा पता है। उसी तरह से अगर आपको बीटा और वीपी पता है तो भी आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें रूट एल सी कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली बीटा इंटू वीपी के इक्वल। ठीक है, और अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, बीटा और जेड नॉट को डिवाइड कर दूं, तो यहां से मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मान लो बीटा डिवाइडेड बाय जेड नॉट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी आया, और जेड नॉट की वैल्यू कितनी आई रूट ओवर एल बाय सी, तो ये रूट एल कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय जेड नॉट एंड ओमेगा सी, सो विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सी विच इज बीटा अपॉन ओमेगा इंटू जेड नॉट। तो यहां से हमको C की वैल्यू मिल गई, और वही अगर हम लोग बीटा और VP का मल्टीप्लीकेशन कर देते तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी एंड VP इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी, तो यहां से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो आप ये L और C इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो प्राइमरी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइंड द प्राइमरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वैल्यूज आपको दी रहती है, बीटा दिया रहता है, जेड नॉट दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो आपको कभी भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं करना है ना, ये ऐसे कोई सब्स्टिट्यूट करके उसको नहीं निकालना है, बस क्या करो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहो, आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलते जाएगी। अभी आगे हम लोग जब डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स आएंगे जिसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके प्राइमरी कांस्टेंट एल और सी के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे तो आर और जी डायरेक्टली जीरो हो गया, तो हमको सिर्फ दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक एल की और दूसरा सी की, ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एक सी का वैल्यू मिल गया और यहां पे हमको एल का वैल्यू मिल गया, तो इस तरीके से एल और सी मिल गया, आर और जी जीरो है, मतलब प्राइमरी कांस्टेंट आ गया। अब ऐसे ही हम लोग डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे दूसरे कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है आपका डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन क्या होती है, तो द कंडीशन इज यहां पे लिख देता हूं, कंडीशन इज आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाय सी। इसको कैसे याद रखोगे, हमारे पास आर प्लस जे ओमेगा एल होता है तो इन दोनों का रेशियो, और दूसरा क्या होता है G प्लस जे ओमेगा सी होता है, तो इन दोनों का रेशियो, R और L का रेशियो, G और C का रेशियो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज द कंडीशन फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन टू बी डिस्टॉर्शनलेस। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के डिस्टॉर्शनलेस होने की जो कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल है कि R और L का रेशियो और G और C का रेशियो सेम होता है। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते थे कि R और G का रेशियो और L और C का रेशियो सेम होता है, R और G का रेशियो, L और C का रेशियो सेम होता है, ये G को इधर ले जाओगे L को उधर ले जाओगे तो भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा एंड इट इज इक्वल टू आर प्लस J ओमेगा L एंड G प्लस J ओमेगा C, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आए तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो इसमें मैं क्या कर लेता हूं, R और G को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, इसमें से R कॉमन ले लो, इसमें से G कॉमन ले लो, तो R और G कॉमन ले लिए तो यहां पे आ गया 1 प्लस J ओमेगा L अपॉन R, और यहां पे आ गया 1 प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देखे होंगे कि रूट ओवर आर जी, तो अगर मैं कॉमन ले भी लूं, अब आप यहां पे ध्यान से देखना, देखो एल अपॉन आर, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो एल बाई आर इज इक्वल टू, इसको इन्वर्स कर दो, ये आ गया सी बाई जी, एल बाई आर इज इक्वल टू सी बाई जी भी है, इन्वर्टेड है, तो यहां पे एल बाई आर और ये सी बाई जी है, तो दोनों में से किसी एक टर्म को मैं रिप्लेस कर देता हूं, एल बाई आर को अगर मैं सी बाई जी से रिप्लेस कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, रूट ओवर वन प्लस जे ओमेगा, इस एल बाई आर को सी बाई जी लिख दिया तो ये सी बाई जी, और दोनों सी बाई जी हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहां से हमारे पास अल्फा प्लस जे बीटा है। नाउ अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी, तो सेपरेट है, अब ये रूट से बाहर आ गया, ये रूट से बाहर आ गया, और ये कितना हो गया 1 प्लस जे
ओमेगा सी अपॉन जी, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे आ गया रूट आर जी और यहां पे आ जाएगा जे ओमेगा। जी और जी कैंसिल हो गया, रूट अच्छा जी कैंसिल नहीं होगा, उसको रूट आर जी है। इन दोनों को अगर हम अंदर लेके जाएं तो क्या है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक देख के बताओ, यहां तक क्लियर है क्या, पहले बताओ। ठीक है, डिस्टॉर्शन लेस का मतलब होता है कि जब हम लोग एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है, ठीक है, क्योंकि जब ये ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रैवल कर रहा है उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रुप वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जब एक साथ ट्रैवल करती है तो सारे फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइम पे रीच करते हैं, ठीक है, रिसीवर पे या लोड पे अलग अलग टाइम पे रीच करते हैं, तो उसके कारण से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाने का मतलब है कि जितने भी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे सभी को एक सेम टाइम पे रिसीवर पे पहुंचना चाहिए। तो वैसा ट्रांसमिशन लाइन जिसमें ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे रिसीवर एंड पे पहुंचते हैं या लोड एंड पे पहुंचते हैं उसको डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोलेंगे, क्योंकि अगर सेम टाइम पे पहुंचेंगे तो उनके बीच में कोई फेज डिले नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एट द सेम टाइम रिसीवर पे रिसीव हो। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन लेस लाइन का मीनिंग ये हो गया कि ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमको सेम टाइम पे पहुंचाना। ठीक है, अब यहां पे देखो जी और जी कैंसिल हो गया, ये जी और जी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये एक जी और ये वाला जी कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस चीज को, आर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आर सी अपॉन जी और एक सी को मैं अलग लिख दिया आर सी अपॉन जी इंटू सी। अब आर सी अपॉन जी को मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, आर सी अपॉन जी, बताओ मेरे को यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन से बताना कि आर सी अपॉन जी क्या होगा, आर सी अपॉन जी ये क्या आएगा, ठीक है, सिंपल L, ठीक है, तो ये RC अपॉन जी L हो गया। तो ये यानी कि इसको मैं फिर से रूट ओवर L से लिख सकता हूं, ये पूरा जो टर्म है इसको मैं रूट ओवर L से लिख सकता हूं। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू रूट आर जी आएगी और बीटा की वैल्यू सेम आ गई ओमेगा रूट एल सी, यही आ गया। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल सेम हो गए। देखो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी, लॉसलेस में भी आया था, यहां पे भी आ गया, बट अल्फा की वैल्यू यहां पे प्रेजेंट है क्योंकि यहां पे वेव एटेन्यूएट होगा। जैसे जैसे वोल्टेज वेव ट्रेवल करेगा किसी लाइन में डिस्टॉर्शन लेस लाइन में तो उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते जाएगा, एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज या करंट वेव ट्रेवल करेगा उसमें एटेन्यूएशन होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे थे तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में अल्फा की वैल्यू जीरो थी, इसका मतलब लॉसेस नहीं थे। मतलब अगर मैं 10 वोल्ट का सिग्नल भेज रहा हूं तो वो 10 वोल्ट रहेगा लोड एंड तक, लेकिन अगर मैं यहां पर 10 वोल्ट का सिग्नल भेजूंगा तो वो 10 वोल्ट का नहीं रहेगा क्योंकि अल्फा प्रेजेंट है, मतलब ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड के फैक्टर से वो डिके होता जाएगा, जैसा कि लॉसी मीडियम में होता था। ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस हैं उसको आप रिलेट कर सकते हो प्लेन वेव के लॉसी मीडियम में। हमको पता है कि प्लेन वेव में जब लॉस होता था तो ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ये लिखते थे,
तो इसी फैक्टर से यहां पे भी वोल्टेज और करंट जो है वो डिके होते जाएंगे, एटेन्यूएट होते जाएंगे, बट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रूट ओवर आरजी होगा। लॉसी मीडियम में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट ओवर आरजी, तो यहां से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो इस फैक्टर के साथ डिके होता जाएगा, एटेन्यूएट होता जाएगा। ठीक है यहां तक, चलो नेक्स्ट Z नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर R प्लस जे ओमेगा L डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा C। इसमें से भी R और G को कॉमन निकाल लो, तो R और G को कॉमन निकाल लिए तो यहां से आ गया 1 प्लस जे ओमेगा L बाई R, और यहां पे आ गया 1 प्लस जे ओमेगा C बाय G। अब हमको मालूम है कि ये L by R और C by G सेम होता है, L by R, C by G सेम होता है, तो जब मैं C by G को L by R लिखूंगा तो ये कैंसल हो जाएगा, है ना, ये कैंसल हो जाएगा, ठीक, तो ये कैंसल हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना आ गया, रूट ओवर R by G, और रूट ओवर R by G को इस रिलेशन से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हो रूट ओवर R by G can also be written as L by C। यहां से देख लो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए पहला तो डिस्टॉर्शन लेस के लिए, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी ये कैलकुलेशन हो रहा है, इसके मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो R by G L by C के इक्वल भी होगा, यहां से आ गया L by C। ठीक है, लास्ट क्या है, फेज वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी क्या होगा, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, और बीटा की वैल्यू तो सेम आई है ना, तो बीटा की वैल्यू अगर सेम है तो फेज वेलोसिटी भी सेम होगा। रिलेशन बिटवीन लॉसलेस एंड ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस और डिस्टॉर्शनलेस लाइन के बीच में रिलेशन ऐसा है कि किसी भी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टॉर्शनलेस बोल सकते हैं, बट द डिस्टॉर्शनलेस लाइन कैन नॉट बी कॉल्ड एज लॉसलेस। लॉसलेस को डिस्टॉर्शनलेस बोल सकते हैं क्योंकि डिस्टॉर्शनलेस में अल्फा की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो सारे फॉर्मूले अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए जो कि लॉसलेस के लिए वो है, तो हर लॉसलेस लाइन डिस्टॉर्शनलेस होगा, बट डिस्टॉर्शनलेस लाइन लॉसलेस होगा ये ट्रू नहीं है। ठीक है, देखो ये अल्फा का इक्वेशन है रूट आर जी और ये जेड नॉट का इक्वेशन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो अल्फा और जेड नॉट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा का वैल्यू है रूट आर जी और जेड नॉट का वैल्यू है रूट ओवर आर बाय जी, तो यहां से हमको रूट जी कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, देख रहे हो अल्फा Z नॉट, ये देखो ये R की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते तो अल्फा डिवाइडेड बाय Z नॉट, तो यहां से आ गया रूट ओवर आर जी एंड दिस इज रूट ओवर R बाय जी, रूट R कैंसिल हो गया तो G की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अल्फा अपॉन Z नॉट। ठीक है, और L और C तो हम लोग पिछले बार निकाल चुके हैं तो वैसे यहां पर भी निकालेंगे बीटा के रिलेशन से, बीटा को जब Z नॉट से मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे रूट ओवर L बाय C का तो L और C आ जाएगा, है ना, यहां पे देख लो बीटा और Z नॉट का रिलेशन C इज इक्वल टू बीटा बाय ओमेगा Z नॉट, यही आएगा और ओमेगा की वैल्यू बीटा इंटू वीपी यही आएगा और इंडक्टेंस की वैल्यू बीटा Z नॉट अपॉन ओमेगा यही आएगा बिकॉज बीटा और Z नॉट सेम है। इसमें भी आप देख लो बीटा ओमेगा रूट एल सी और Z नॉट रूट ओवर L बाय C, तो ये दो कांस्टेंट R और G नया हो गया हमारे लिए क्योंकि ये एक डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो R और G नॉन जीरो थे तो वो वैल्यू यहां से आ जाएगी और L और C हमारा प्रीवियस वाले रिलेशन में जैसे यूज किए थे वैसे यहां पे भी यूज करेंगे तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है, आप यहां पे निकाल सकते हो, बीटा इंटू जेड नॉट करोगे, ओमेगा रूट एल सी और रूट ओवर एल बाय सी, ये आपको एल की वैल्यू देगा, बीटा जेड नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है, यही आएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो बीटा जेड नॉट, बीटा डिवाइडेड बाय जेड नॉट, देन ओमेगा रूट ओवर एल बाय सी एंड एल अपॉन सी, तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, बीटा अपॉन जेड नॉट ओमेगा। तो ये देखो चारों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, 1, 2, 3 एंड 4, यही तो चारों प्राइमरी कांस्टेंट है, तो ये चारों प्राइमरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको मैं निकाल के दिखा दिया, कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार उसको अलग सेशंस में कभी कराएंगे, अभी हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादा नहीं है ना, स्टूडेंट ज्यादा नहीं है तो फिर वो मजा नहीं है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर को बाद के लिए बचा के रखा हूं कि एटलीस्ट जब स्टूडेंट्स आएंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का अलग मजा है ना, क्योंकि वो एग्जाम वाले पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं तो उसको करने का अलग मजा है, तो इस वजह से उसको मैं बाद के लिए बचा के रखा हूँ। अभी आप लोग जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ उसको कर लो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना जो बाकी स्टूडेंट आएंगे उनको टक्कर देंगे, क्योंकि फिर उनको समझ में आएगा कि वो पहले स्टार्ट नहीं किए तो उनका क्या लॉस हुआ। आप लोग सही टाइम पे चालू किए हो, आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हो उनको क्या लॉस होगा, वो हम बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब उनको चैलेंज करेंगे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करके, क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, लॉसलेस एंड डिस्टॉर्शनलेस। क्रिएटरिस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, दिस इज इंडिया नंबर वन स्टडी चैनल, तो इस सभी को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ अवर नेक्स्ट क्लास विल बी, ठीक है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट मंडे को होगा सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सेम आपका 3rd May 9:30 PM को होगा, ठीक है, क्योंकि कल से 3 दिन के लिए मैं थोड़ा ऑफ ले रहा हूँ, एंड देन सैटरडे संडे आ जाएगा तो उसमें हम लोगों का क्लास नहीं रहता है, तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द 3rd May एंड यहां से फिर आपका कंटिन्यू चलेगा, ओके, यहां से आपका कंटिन्यू चलेगा वीकली 5 days, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, वो हो गया एक तरीके से, आप बोल सकते हो कि वो हो गया, ठीक है, यस, ओके। सो ये वाला फिर यहां से ये रेगुलर चलेगा, फिर उसमें ज्यादा स्टॉपेज नहीं रहेंगे, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि मई जून तक हम लोग, जून एंड तक हम लोगों का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एंड हो जाए, ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट नेक्स्ट मंडे 9:30 PM, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।